मेरा नाम विकास कुमार हुआ और बेसिकली मुझे लोग एक्टर चाय वाले के नाम से जानते हैं। छठ ऐसा पर्व है ना जो कि हमारे मतलब इंडिया में आज के डेट में लोग मनाते हैं, महापर्व माना जाता है इसको। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है तो रिजाइन मार के चले आते हैं। मैं भी अभी बनारस था 2-3 दिन से एक फैमिली इशू की वजह से, तो मेरे यहाँ छठ होता है। मतलब मेरी पहले माँ करती थी, अभी भाभी करती है। तो छठ ऐसा पर्व होता है ना कि आप इतना श्रद्धा मतलब सुन के ही ना कभी लगता है कि कुछ ऐसा गलती ना हो जाए। जब हम लोग फल लाने जाते हैं या कोई भी काम करते हैं छठ का, या दौरा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत एक अंदर से मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। और इस बार का मेरा यही छठ माँ की कृपा है कि शायद उनकी सद्बुद्धि है कि मैंने यही सोचा कि इस बार घर पे जाऊंगा तो जितने भी हमारे पर्वतीन लोग हैं जो पर्व करती हैं या पर्व करते हैं हमारे यहाँ, मेरी कोशिश यही है कि मैं चाय इस बार मतलब एक मैं फ्री शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मतलब एक चाय को मैं प्रसाद के रूप में, जैसे ही सुबह अर्घ देने के बाद वो करती हैं तो मैं सुबह सोचूंगा कि मेरे हाथ से चाय ग्रहण करें और वो आशीर्वाद दें और मुझे खूब आशीर्वाद दें वो जितने भी छठ व्रती लोग हैं कि एक विकास कुमार और एक्टर चाय वाला बहुत ज़्यादा तरक्की करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। यही मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस बार मेरा घर बाढ़ हुआ तो बाढ़ में मैं इस बार चाय पिलाने का कोशिश करता हूँ, कितना हो पाएगा। मेरा जो गांव है बाढ़ काली स्थान मलाई है, मलाई के बगल में ही हमारा एक गंगा घाट पड़ता है, एक सीढ़ी घाट है, सीढ़ी घाट के जस्ट बगल में हम लोग का एक घाट पड़ता है, हम लोग बस उसको गंगा घाट बोलते हैं। सुबह सुबह काफ़ी ठंड होता है और उनका आशीर्वाद बहुत बहुत ही मतलब समझ रहे हैं, जो चीज़ सूर्यदेव ऐसे हैं जैसे कि आप लाइव उनको देखते हैं, उनका दर्शन हो जाए, पैर छू लें तो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा दुआ मिलता है। तो मैं उन लोग से यही दुआ मांगूंगा कि मुझे स्वस्थ रखें, खुश रखें और एक्टर चाय वालों को बहुत ज़्यादा ग्रो करें। सर, छठ पर्व ऐसा पर्व है ना जो कि हमारे बिहार में महापर्व माना जाता है। दूसरी बात ये कि छठ में हमारे जितने भी माताओं, बहनें और भाई लोग जो करते हैं ना, बिना पानी के रहते हैं वो लोग, तो समझ रहे हैं बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 36 घंटा निर्जला उपवास में रहते हैं वो। तो आज छठ माँ की कृपा से हम, पहले एक स्टॉल था, दो स्टॉल है, आज 3 स्टॉल है, 4 स्टॉल है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं इस बार छठ पूजा में सुबह का जो अर्घ होता है मैं उसमें चाय एक मतलब उन लोग छठ व्रती लोग को मैं पिलाऊँ अपने हाथों से, उन लोग से आशीर्वाद लूँ कि और एक्टर चावला बहुत ज़्यादा तरक्की करें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। जैसे कहा गया ना कि छठ का गाना सुनते ही ना मिजाज एकदम गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है। कहीं पे भी रहेंगे ना आप तो लगता है कि अब यार घर चले यार। तो कहते ना कि जय छठी मैया, जय छठी मैया। और जानते हैं जब भी हम लोग दौरा जब लेते हैं ना छठ का, तो अलग सा एक वो लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है अंदर से। तो छठ ऐसा चीज़ है कि आप सोचिए कहीं भी रहिए, गाना सुन लीजिए तो मियाज गजगद हो जाता है आपका। और आप ना चाह के भी आप जाइए, देखिए जिसके फैमिली में होता है छठ तो वो तो जाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनके यहाँ लोग जाके सहयोग करते हैं क्योंकि आशीर्वाद मिलता है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। तो फिर से अगेन जय छठी मैया, आशीर्वाद दीजिए हमको, खुश रखिए, स्वस्थ रखिए।